नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगी अर्धमत्स्य मुद्रा आसन। यूं तो यह आसन डायबिटीज के लिए रामबाण कहा जाता है, लेकिन इसके नियमित अभ्यास से बहुत से ऐसे रोग हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके करने के तरीके, फिर मैं बताऊँगी इसके फायदे और कुछ सावधानियाँ। तो हम सबसे पहले दोनों पैर को यूँ सीधा करेंगे और बाएं पैर को मोड़ते हुए इस घुटने को दाएं नितंब के नीचे रखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं दाएं नितंब के नीचे, और दाएं पैर को मोड़ते हुए घुटना को मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास खड़ा करेंगे। अब आप हाथ का पोजीशन यानी कि कैसे रखना है, क्योंकि बहुत से लोग इसी में गलती करते हैं कि दाया हाथ है तो दाएं हाथ को ही यूं घुमा के पकड़ लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप ध्यान रखेंगे कि दाया पैर है तो बाया हाथ को अपने कलेजा और घुटने के बीच से घुमाते हुए यूं पंजा पकड़ेंगे और दाया हाथ को पीछे बांध लेंगे, और हाँ, जो हाथ पीछे जाएगा उधर ही सीट जाएगा, बिल्कुल झुके नहीं, झुके सीट न लगाए, सीधा रेट सीधा और धीरे धीरे सीट को इधर घुमाएंगे। थोड़ी देर इसी सीट रहेंगे, आधा मिनट से प्रयास करते करते एक मिनट करेंगे, सांस बिल्कुल नॉर्मल और धीरे धीरे वापस, पहले सिर फिर हाथ। अब इसी क्रम को हम दोहराएंगे लेकिन दूसरे तरफ से। अब हमारा दाया पैर बाया नितंब के नीचे रहेगा और दाया पैर बाएं घुटने के बगल में ऐसे खड़ा कर देना है। अब आप ध्यान से देखें कि बाया घुटना है तो दाएं हाथ को अपने कलेजा और घुटने के बीच से ले जाकर इस पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ को यूं ले जाएंगे। आप हाथ का पोजीशन जानना चाहेंगे तो देखिए यूं, यहाँ खड़ा करेंगे और इसको पकड़ के दाएं हाथ को, और बिल्कुल सीधा रहे, सिर को धीरे धीरे कुछ देरी से सीखी में रहे, सांस नॉर्मल, धीरे धीरे वापस। आपने देखा इस आसन के करने के तरीके, और मैं आपको बताऊंगी इससे होने वाले फायदे। पहले मैं बता दूं कि रीढ़ के सर्वाइकल भाग का दर्द, सिर का माइग्रेन, रीढ़ के सभी तरह के दोष इसके करने से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात है कि आपके पैनक्रियाज ग्रंथि का स्राव नियंत्रित हो जाता है। यही कारण है कि डायबिटीज के पेशेंट को यह आसन करने की सलाह दी जाती है, इससे शुगर कंट्रोल रहता है। तीसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि इसके अभ्यास से आपके पेट के अंदर के अंग, जैसे बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर आदि का मालिश हो जाता है, जिससे आपका शरीर कांतिमय बनता है, आपके फेफड़े, आपका हृदय बलशाली बनता है। तो अब मैं बताऊं कि किनको नहीं करना है। तो जिनके पेट में अल्सर है, जिनको हर्निया है, जिनके रीढ़ में कोई गंभीर बीमारी है, उनको यह आसन नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, यूँ तो मैं एक आसन के बारे में रोज आपको बताती हूँ, लेकिन यदि आपको किसी खास आसन के बारे में जानना है या
कोई खास बीमारी में किसी आसन की जानकारी या किसी भी तरह की बात योग से संबंधित हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए पुनः मिलते हैं अगले दिन दूसरे आसन के साथ। नमस्कार।